हमारे यहां पिछले दिनों देश भर में बाबाओं का बाढ़ आ गया था। आसाराम, बापू आसाराम, बाबा रामदेव, हमारे छत्तीसगढ़ में भी बाबा आ गए थे। एक चाउर वाले बाबा थे, दूसरा पानी वाले बाबा। चाउर वाले बाबा तो सब चाउर डकार गए और पानी वाले बाबा के राज में पानी आया ही नहीं। ये हम लोग छत्तीसगढ़ के लोग हैं, हम लोग तीन बाबा को जानते हैं। एक तो बाबा गुरु घासीदास, दूसरा गांधी बाबा और तीसरा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। अरे बचत जो बाबा लोग हैं ना, उनकी हालत क्या है आप देख रहे हैं। तो ऐसे फर्जी बाबाओं से हम लोगों को सचेत रहने की आवश्यकता है। आदरणीय साथियों, बहुत बड़ी बड़ी बातें पिछले वर्षों में होती रही है, लेकिन वास्तविक जरूरतमंदों की आवश्यकता की बात अब पिछले दो वर्षों से हो रही है। हमने, हमारी सरकार ने जहां ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के हित में फैसले लिए, वहीं शहर के लोगों का भी पूरा ध्यान रखा गया। जहां किसानों की ऋण माफी की, 2500 रुपये क्विंटल में धान खरीदी करने का फैसला लिया, केंद्र सरकार ने अड़ंगा लगाया तो हमने राजीव गांधी किसान न्याय योजना लागू की। तो शहरी क्षेत्र में भी जहां पहले तो चुनाव के समय राशन बनते थे और चुनाव के बाद राशन कार्ड काट दिए जाते थे, बड़ा खेल होता था उसमें, करोड़ों अरबों का वारा नियारा। लेकिन हमारी सरकार बनते ही हमने कहा सबका राशन कार्ड बनेगा, आधार कार्ड से लिंक हमने कर दिया। लोग बहुत सारे कार्ड बनाते थे, अब तो इलाज भी राशन कार्ड से होने लगा है, उसके लिए अलग से कार्ड बनाने की जरूरत नहीं। उसी राशन कार्ड में डॉक्टर खूबचंद बघेल जो स्वास्थ्य योजना है 50,000 से 5,00,000 तक के, उसका लाभ मिल रहा है। और विशेष तौर पर अभी जिसका जिक्र ताम्रध्वज भैया कर रहे थे, उस बालक का 3 बार हार्ट का ऑपरेशन हुआ, उसकी माता और उसके शिक्षक दोनों धन्यवाद करने आए थे कि मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना में हिंदुस्तान के पहला योजना है जिसमें 20 लाख रुपए तक के इलाज का लाभ हम आम जनता को दे रहे हैं और इसे कितने लोग इसका लाभ उठा रहे हैं। एक घटना है जिसमें उन्होंने धन्यवाद देने आए, कितने लोग हैं जो मुझे फोन करके चिट्ठी लिख के खुद उपस्थित होकर धन्यवाद देते हैं कि हमारा जमीन बिकने से बच गया, घर उजड़ने से बच गया, क्योंकि बीमारी किसी को बता के नहीं आता कि किसको कैंसर होगा, किसी हार्ट का परेशानी, और ऐसे समय में लाखों रुपया लग जाता है। तो उस समय ऐसी स्थिति में छत्तीसगढ़ सरकार ने फैसला लिया कि 20 लाख तक की इलाज हमारी इस योजना के तहत, मुख्यमंत्री विशेष सहायता योजना। चावल हम सबको दे रहे हैं, कोरोना काल में 3 महीने का राशन हमने एकमुश्त दिया और मुफ्त में दिया, जबकि देश में कोई राज्य नहीं दिया था, शुरुआत हमने की, फिर दूसरे राज्यों ने किया है। आदरणीय साथियों, बिजली बिल आधा, पूरे प्रदेश में सभी परिवार को इसका लाभ मिल रहा है, ऐसा कोई परिवार नहीं है जो 400 यूनिट तक की बिजली बिल आधा का लाभ ना ले रहा हो। शहरी क्षेत्र में ये पानी वाले बाबा 10 साल तक के छोटे भूखंडों को रजिस्ट्री में रोक लगा रखी थी, हमने उसकी शुरुआत की।
फ्री होल्ड का फैसला लिया, जो कलेक्टर गाइडलाइन है उसकी दर हमने कम की ताकि रजिस्ट्री करा सके। ऐसी बहुत सारी योजना है, मोर मकान मोर चिन्हारी योजना, तो ये सारी योजनाएं हमने शहर में लागू की, उसका लाभ सबको मिल रहा है। मुझे याद है कि यहां जब डेंगू फैला था उस समय हमारे महापौर जी ने कहा था ये जो नहर बनवा रहे हो ठीक नहीं है, उन्होंने विरोध किया था, लेकिन मंत्री जी के हट के चलते वो शुरू हुआ और डेंगू से 2018 में 18-19 में 1209 लोग प्रभावित हुए जिसमें 12 लोगों की मौत हुई। स्वास्थ्य मंत्री को गुहार लगाते रहे लेकिन वो आए तक नहीं, और वहीं 2020-21 में डेंगू आया जरूर लेकिन केवल 11 लोग इसे प्रभावित हुए, एक भी मौत नहीं हुई। ये संवेदनशील सरकार हमेशा आम जनता के सेवा में लगी हुई है। रोजगार की बातें हो रही है, हमारे गृह मंत्री जी ने रोजगार के नए अवसर के बारे में बात कही। 20 साल बाद 1998 के बाद पहली बार तो शिक्षकों की भर्ती हमने की, 15,000 से अधिक शिक्षकों की भर्ती, असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती, अब पुलिस की भर्ती होने जा रही है, उसमें भी शुरू करेंगे पुलिस में भी। और अभी आपको जानकर आश्चर्य होगा, ये भिलाई स्टील प्लांट जो नेहरू जी की देन है, और एक बात और कहना चाहता हूं, स्वामी विवेकानंद जी की जयंती, जिन्होंने आर्थिक समता, सामाजिक न्याय और समरसता आधारित समाज गढ़ने की बात कही थी, मैं समझता हूं कि स्वामी विवेकानंद जी की ये बातें नेहरू जी ने शब्दशः लागू किया और उसकी शुरुआत हुई थी भिलाई से हुई। लेकिन ये स्टील प्लांट बनते हैं जिसको नवरत्न कहा जाता है, ये केवल पैसे कमाने की जगह नहीं बल्कि समाज बनाने का ये प्लांट है, इससे समाज बना है। भिलाई स्टील प्लांट से केवल भिलाई लोहा भर उत्पादन नहीं होता बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लोग एक जगह रह के मिनी भारत का जो संदेश है, भाईचारा समरसता का संदेश, वो यहीं से जाता है। यहां भिलाई स्टील प्लांट के कारण से ही आज जो एजुकेशन हब बना हुआ है भिलाई, उसी के कारण से संभव हुआ है। लेकिन वर्तमान सरकार उजाड़ना चाहती है। पिछले दिनों विधानसभा में चर्चा हुई कि हम लोगों ने एक प्रस्ताव लाया शासकीय तौर पे, नगरनार के स्टील प्लांट के निवेशीकरण नहीं होना चाहिए, निजी हाथों में नहीं जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने आरोप लगाया कि निवेशीकरण का काम तो आपके शासनकाल में जब मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री थे और नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे तो उस समय शुरुआत हुई। बात तो सही है कि एक विनिवेशीकरण का काम हमारे सरकार में इसकी शुरुआत हुई, लेकिन कौन से उद्योग बेचे जाएंगे जो 5 साल से घाटे में चल रहा हो, जिसका ऑडिट रिपोर्ट निगेटिव आता रहा हो, ऐसे उद्योग जो लाभ ना दे रहा हो, ऐसे उद्योगों को निजी हाथ में देने का। लेकिन अटल जी की सरकार आई तब क्या हुआ, अटल जी जो लाभ देने वाले प्लांट हैं, जिसमें बालको कोरबा का उदाहरण, जो स्क्रैप 550 करोड़ से ऊपर का स्क्रैप ही था, बेचे कितने में, 551 करोड़ में, जितने लाभ देने वाले हैं सबको बेचना शुरुआत की। उन्होंने तो एक विभाग ही खोल दिया था जिसका अरुण सोरी जी मंत्री थे, लेकिन वर्तमान सरकार तो गजब है। नरसिम्हा राव सरकार ने कहा जो बीमार फैक्ट्री है उसे बेचना है, अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने किया
जो लाभ देने वाले हैं उसको बेच दो। वर्तमान सरकार है जो प्लांट बना ही नहीं, पूरा नहीं हुआ है, अभी 90% ही नगर नार बना है, शुरू नहीं हुआ, उसको बेचने की तैयारी कर लिए। और फिर इस सरकार की बात क्या कहें, ये लोग तो आरोप लगाते हैं 70 साल में आपने क्या किया। तो भैया ये रेलवे स्टेशन बेच रहे हो, तुम्हारे नाना जी ने बनाया था। एयरपोर्ट बनाए थे, उसको तुम्हारे दादाजी ने बनाया था। वो एनजीसी क्या तुम्हारे चाचा के दहेज में आया था। सबको तो बेच रहे हैं, अब तो किसानों के जमीन पे निगाह है और दिल्ली को घेर के बैठे किसान। आज 46वां दिन है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया इस कानून पर रोक लगाया जाए, लेकिन ये सरकार पूंजीपतियों की सरकार है, किसानों और आम जनता गरीबों की सरकार नहीं है। ये सब कुछ बेच देना चाहते हैं, अब तो इनकी निगाह किसानों की जमीन पर है। तो ये सब बेचने वाले लोग हैं, बनाने वाले लोग नहीं है। इस चीज को छत्तीसगढ़ की जनता ने समझा और 90 में 70 सीट आज कांग्रेस के विधायक, 5 साल भाई देवेंद्र यादव के महापौर के कार्यकाल बीते, संघर्षपूर्ण थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। आने वाले समय में जब चुनाव होगा तो आपने संकल्प किया सभी सीट हम जीतेंगे, आने वाला वर्ष संघर्ष का नहीं विकास का होगा, भिलाई में विकास की कोई कमी नहीं होने देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको नव वर्ष की बधाई देते हुए, विवेकानंद जयंती की शुभकामना देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। जय छत्तीसगढ़।